Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पिता बनने के बावजूद खंडेराव अपने पिता की नजरों में वो इमेज नहीं बना पाए जो वो चाहते थे। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। दिल के अच्छे हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, मगर कान के कच्चे हैं, ये हैं खंडेराव। इसी वजह से आज भी जो 8 साल बाद का गैप हुआ है उसके बाद भी हम ये देख पा रहे हैं कि मल्हार सरकार की नजरों में खंडेराव वही के वही हैं। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मल्हार सरकार जब से खंडेराव के साथ हैं तब से उनको यही समझाते आ रहे हैं, जब भी उनको मिलते हैं कि आप युवराज हो, आपको प्रजा के हित में पहले सोचना है। हर बार उन्होंने हमने जब भी उनको देखा है बातचीत करते हुए उन्होंने यही समझाने की कोशिश की है, मगर खंडेराव इमोशनल हैं, वो रिश्तों को पहले रखते हैं, प्रजा को बाद में रखते हैं, यही हमने उनके सफर में देखा। और यहाँ पे भी वही नजारा देखने को मिला जब उन्होंने बेटे को पहले रखा और उन दुखी लोगों को बाद में रखा जो बेटे की वजह से प्रताड़ित हुए थे, यानी कि वो काकी और संताजी। अहिल्या देवी इससे बिल्कुल विपरीत है, वो प्रजा को पहले रखती हैं क्योंकि वो समझती हैं कि राज परिवार का काम है प्रजा की सेवा करना। इसीलिए वो मल्हार सरकार के आने से पहले यही बात समझाने की कोशिश कर रही थी मालेराव को कि माफी मांगो, और खंडेराव इसकी बात का विरोध कर रहे थे कि ये क्या बात हुई, अब हमारा युवराज तो बच गया ना, मालेराव को तो कोई चोट नहीं आई ना, तुम ये सोचो अहिल्या, मतलब बिल्कुल ही बच्चे को बिगाड़ने वाली बात। मगर जब मल्हार सरकार आते हैं और खंडेराव की बात को काटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जो आई है वो सही कह रही हैं, इसका साफ साफ मतलब है कि बाबा गलत कह रहे हैं, तो ये तो मालेराव ने देख ही लिया। मगर इससे एक बात हमने देखी कि खंडेराव अभी भी अपने बाबा की नजरों में वो जगह नहीं बना पाए हैं जो उनको बनानी चाहिए थी या जो मल्हार सरकार चाहते थे कि खंडेराव हो, मगर वो जगह पहले भी और आज भी अहिल्या देवी की ही है। क्या कहना है आपका इसके बारे में, कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.